हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आज का हमारा टॉपिक है कॉपीराइट तो हम पढ़ेंगे कि कॉपीराइट होता क्या है और इसमें किस किस चीज़ों पे हमें प्रोटेक्शन मिलती है कॉपीराइट बेसिकली एक प्रोटेक्शन है एक राइट है जिससे मत, मतलब एक राइट है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है जो इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर को दिया जाता है अब इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है अगर आपने आपको ये नहीं पता है तो आप प्लीज़ लास्ट एक वीडियो मैंने डाली है इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो वो देखे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी uh, कोई एक कॉपरेट प्रॉपर्टी नहीं होती है इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होती है जो माइंड क्रिएटिविटी या फिर नॉलेज थॉट्स और आइडियाज ऑफ ह्यूमन बींग के थ्रू बनाई जाती है ठीक है इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रटेन्स टू एनी ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट जैसे कि सच एज आर्टिस्टिक लिटरेरी टेक्निकल और साइंटिफिक क्रिएशन तो ये होते हैं हमारे इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी तो स्टार्ट करते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट रिफर्स टू द लीगल राइट्स ऑफ द ओनर ऑफ इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी ये इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर दिया जाता है इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पढ़ना होगा पहले इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है तो अगर ये पता करने के लिए आप प्लीज़ लास्ट वीडियो देखें और उसमें इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी पढ़ा है हमने राइट्स में ही कॉपीराइट आता है इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पार्ट है कॉपीराइट जैसे कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क जोग्राफिकल इंडिकेशन ट्रेड सीक्रेट्स ये सारे राइट्स हैं इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है मतलब कोई भी ह्यूमन बींग अपने माइंड अपने आइडिया से कोई भी क्रिएशन करता है न्यू क्रिएशन तो जो उसका ओनर होता है इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी जो जिसने क्रिएट किए उसका ओनर होता है उसको राइट right मिलता है ठीक है तो उसमें फर्स्ट ये है कॉपीराइट कि जो कॉपीराइट एक लीगल राइट right है जो ओनर को मिलता है इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर को इन सिंपलर टर्म कॉपीराइट इज द राइट टू कॉपी इट मीन्स जो ओनर होता है उसको राइट right मिलता है कि उसका जो इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसे कोई कॉपी नहीं करेगा नाम से ही हमें पता चल रहा है दिस मीन्स दैट द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एनी वन दे गिव ऑथोराइजेशन टू आर द ओनली वंस विद द एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क मतलब या तो ओरिजिनल क्रिएटर जो ओनर होगा वो या फिर उसने किसी अदर पर्सन को अथॉरिटी दी हुई है उसका कोई पार्टनर है या फिर कोई भी पर्सन है जिसको अथॉरिटी उसने दी है वो उसे उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं अदरवाइज कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता ना यूज कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर ओके तो कॉपी आपको समझ में आ गया डेफिनेशन देखते हैं द एक्सक्लूसिव स्टैचुटरी राइट ऑफ लिटरेरी लिटरेरी में क्या क्या आएगा देखो डेफिनेशन में पहले कि द राइट right, जो ये कॉपीराइट राइट एक राइट है किस किस चीज़ों पे है ऑफ लिटरेरी लिटरेरी के अंदर क्या आएगा जैसे ऑथर्स प्ले राइट्स और पोइट्स ठीक है इनको मिलता है इसमें क्या क्या आता है कि वो पोएम लिखें या फिर कोई नोवेल लिखे कोई स्टोरी लिखें उनके ऊपर देन म्यूजिकल म्यूजिकल में क्या क्या आएगा कोई सॉन्ग उन्होंने कंपोज किया कोई म्यूज़िक ये सब कंपोजर्स को और म्यूजियन म्यूजिशियन को देन विजुअल इसमें कोई इसमें पेंटर्स को फोटोग्राफर्स कल्चर्स जो पेंटिंग बनाते हैं फिर कोई फोटो उसने ऐसी क्लिक की है कि भाई ऐसी कोई नहीं कर सकता उसे अपनी कॉपीराइट चाहिए अदर आर्टिस्ट टू कंट्रोल द रिप्रोडक्शन यूज एंड डिस्पोजिशन ऑफ देयर वर्क यूजअली फॉर देयर लाइफ टाइम प्लस सेवेंटी ईयर्स ठीक है तो इन सबको राइट्स मिलता है कि उनकी चीज़ों को उन्होंने जो कला की है उन्होंने जो म्यूजिक बनाया है पेंटिंग बनाई है या फिर कोई पोएम लिखी है उनको कोई यूज़ ना करे या फिर उस पर कोई अपना नाम ना ले कि ये उसने बनाया है ठीक है तो उनको ये डिपेंड करता है पेमेंट्स पे कि आपने कितनी आ, कितने टाइम का लिया है ठीक है कॉपीराइट राइट सेवेंटी ईयर्स या फिर लाइफ टाइम प्लस ठीक है द डेफिनेशन ऑफ कॉपीराइट राइट इज लिटरेरी Literally, in the words itself, the Namsipataal the copyright, it's the right to copy. It describes the legal right of the owner intellectual property. A person who owes the copyright to a work, such as song lyrics or the original drawing is the only person who can copy that work. और ग्रांड परमिशन टू समन एल्स टू कॉपी या वो खुद यूज़ कर सकता है या फिर किसी को उसने परमिशन दी हो वो यूज़ कर सकता है अदरवाइज और कोई यूज़ नहीं कर सकता काइंड्स ऑफ इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी वैसे बहुत सारी होती है लेकिन इसमें हम वो इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिस जिसमें हमें कॉपी राइट मिलता है ठीक है वैसे तो इसमें जैसे लिटरेरी आर्टिस्टिक म्यूजिक ये सब जो हमने ऊपर थोड़ा बहुत देखा है लेकिन वैसे इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर साइंटिफिक डिस्कवरीज़ भी आती है ठीक है साइंस के जो ये आइडियाज़ वगैरह साइंटिफिक वर्क जो होता है वो आता है इन्वेंशन आते हैं कोई भी नया इन्वेंशन हुआ है ट्रेडमार्क सर्विस मार्क्स कमर्शियल नेम्स डेजिगनेशन तो ये सब भी आता है इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी में लेकिन इस वीडियो में जो हम इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ वो वाले पढ़ेंगे जिनमें हमें कॉपीराइट मिलता है ठीक है तो देखते हैं पहली है लिटरेरी वर्क दिस कवर पब्लिश्ड वर्क इंक्लूडिंग बुक्स आर्टिकल्स जर्नल्स एंड प्रोडिकल्स एज वेल एज मैन्यूस्क्रिप्ट ठीक है इवन ट्रांसलेशंस एंड एब्रिजमेंट आर टेकन एज द ओरिजिनल वर्क्स एंड आर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपी राइट वेरी इम्पोर्टेंटली दिज ऑल्सो कवर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर डाटा बेसिस समझ आ गया लिटरेरी वर्क ठीक है तो लिटरेरी वर्क पे हमें कॉपी राइट मिलता है किसी ने बुक पब्लिश की है उस बुक को कोई कॉपी नहीं कर सकता ना उस पर अपना नाम लिख के उसे सेल कर सकता तो लिटरेरी वर्क पे हमें कॉपी राइट मिलता है गई हम सोचेंगे ना कि ये क्यों मिलता है देखो अगर किसी ने भी बुक पब्लिश की है बुक प्रिंट की है लिखी है उसने एफर्ट्स लगाया अपने टाइम लगाया है ठीक है अगर मान लो कोई ऐसे ही कॉपी कर लेगा देन फिर अब उसका नाम हो जाएगा उसकी रेपुटेशन हो जाएगी तो उसको क्या फ़ायदा मिला जिसने बुक लिखी है इस इन सब को बचाने के लिए ठीक है कि लोग अपनी क्रिएटिविटी उभारे मतलब जो गवर्नमेंट है वो लोगों को एनकरेज करने के लिए कि वो क्रिएटिव वर्क करें उसके लिए उन्हें ये लो बनाने पड़े वरना मतलब अगर लो नहीं होते तो फिर क्या सब कॉपी करते अपना अपना नाम करते सब तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है ठीक है देन सेकेंड इज ड्रामेटिक वर्क ड्रामेटिक वर्क इज़ द वर्क कैपेबल ऑफ बींग फिज़िकली परफॉर्म्ड कोई भी वर्क जैसे ड्रामा ड्रामेटिक वर्क से ही समझ में आ रहा है ड्रामा तो कैसे होता है फिजिकली परफॉर्म करना पड़ता है ना तो कोई भी ऐसा वर्क जिसमें हमें फिजिकली परफॉर्म करना पड़े इट नीड नॉट टू बी फिक्सड इन राइटिंग और अदरवाइज लिखना ना पड़े ठीक है सम एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक वर्क आर अ पीस ऑफ रेसिकटेशन कोरियोग्राफिक वर्क एलिमेंट्स ऑफ अ डांस और बैलेट्स कॉस्ट्यूम्स और सीनरी एसोसिएटेड विद अ ड्रामा एट्सेट्रा सीनरी सॉरी देन म्यूजिकल वर्क A musical work means a work consisting of music, and it include graphical notations of such a work. The words in a song and the music have separate rights, and the rights cannot be merged. Songs and music दोनों के अलग-अलग rights हैं, वो मर्ज नहीं होते हैं। जैसे musical work में सिर्फ music पे ही हमें copyright नहीं मिलता, है। इसमें जो notes लिखे होते हैं, जो रिदम वगैरह होते हैं नोट्स बोले जाते हैं वो तो उन पे भी हमें कॉपीराइट मिलता है कि वो भी कोई कॉपी ना करे तो म्यूज़िकल वर्क भी अगर हम इसे डीप में जैसे आईपीएल एक सब्जेक्ट होता है इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी लो तो इसको डीप में पढ़ते हैं तो जैसे म्यूज़िकल वर्क है तो म्यूज़िकल वर्क को भी बहुत अंदर घुस के पढ़ते हैं कि इसमें किस किस चीज़ पर क्या क्या होता है ठीक है तो अभी तो हम ऊपर ऊपर देख रहे हैं कॉपीराइट पढ़ रहे हैं देन आर्टिस्टिक वर्क आर्टिस्टिक वर्क आर द वर्क सच एज पेंटिंग्स स्कल्पचर्स ड्राइंग एंड ग्रेविंग्स फोटोग्राफ्स एंड आर्किटेक्चरल वर्क इस्पेक्टिव ऑफ जजमेंट ऑन देयर आर्टिस्टिक क्वालिटी आ गया समझ ये हो गया आर्टिस्टिक वर्क देन सिनेमाटोग्राफिक फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स इसमें क्या होता है जैसे कि हमने कोई रिकॉर्डिंग की है इमेजेस चल रही है हमने कोई वीडियो डाली है फिर पीछे से हम बोल रहे हैं हमने कुछ मतलब कुछ डिफरेंट सा करना ठीक है इंक्लूडिंग वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ शॉर्ट क्लिप्स यूजिंग वेब कैम्स एंड सेलफोन्स साउंड ट्रैक्स ऑफ मूवीज ऑल्सो कम्स अंडर द सिनेमेटोग्राफी ठीक है सिमिलर स्टैंड अलोन साउंड रिकॉर्डिंग एंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉज जैसे किसी की रिकॉर्डिंग होती है या फिर किसी की किसी के लेक्चर्स है जैसे संदीप माहेश्वरी के हैं ठीक है तो ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती है तो इन पे भी हम कॉपीराइट ले सकते हैं ठीक है तो जो आईपीएल में सेक्शन फोटीन है एक्ट उसमें कॉपीराइट को डिफाइन किया हुआ है जैसे काफ़ी लोग होते हैं जैसे कि मतलब एक्ट वाइज बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है तो ये सेक्शन फोर्टीन में है कॉपीराइट डिफाइन किया हुआ है कॉपीराइट राइट मीन्स एन एक्सक्लूसिव राइट टू डू और ऑथोराइज द डूइंग ऑफ एनी ऑफ द वर्क स्पेसिफाइड कॉपीराइट इज द टर्म टू डिस्क्राइब द बंडल ऑफ राइट विच आर ग्रांटेड बाई स्टेटू फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सपेक्टेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ औरिजनल लिटरेरी बस इसको मैं रीड कर रही हूँ क्योंकि ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ ऊपर अच्छे से ब्रीफ में तो बस आप एक बार रीड करके आपको समझ आ जाएगा खुद ही इन रिस्पेक्ट ऑफ औरिजिनल लिट्रेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्कस सचैज नावल्स प्लेज पोएम्स म्यूजिकल कंपोजिशंस पेंटिंग्स स्कल्पचर्स एज वेल एज ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग्स फिल्म ब्रॉडकास्ट एंड टाइपोग्राफिकल अरेंजमेंट्स ऑफ पब्लिस्ड एडिशंस ठीक है ये सब अभी ऊपर बताया था दीज आर द्रोपाइटरी प्रोपरेटरी राइट गिविंग द ओनर द राइट टू डू और ऑथोराइज अदर पर्सन टू डू द एक्ट रेस्ट्रिक्टेड बाई द कॉपी राइट लो ठीक है अगर मान लो किसी को वो चीज यूज करनी है ठीक है कुछ भी आपने म्यूज़िक बनाया है मुझे वो म्यूज़िक जैसे सोनोटेक या फिर कोई भी चैनल है मेरा मैं मुझे उस चैनल पे वो म्यूज़िक डालना है अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ठीक है तो क्या करना पड़ेगा मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी किससे ओनर से उसके लिए मुझे पेमेंट भी करनी होगी ठीक है जैसे मॉल्स में जो मूवी चलती है मूवी पहले वो क्या करते हैं कॉपीराइट होता है उनके पास जो बनाते हैं उनके पास ठीक है जो मूवी में भी ये नहीं कि मूवी मूवी पे होता है जो मूवी के अंदर मूवी की स्टोरी होती है स्टोरी पे अलग कॉपीराइट होता है मूवी पे अलग कॉपीराइट होता है तो सब कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते कि जैसे मूवी नहीं कि हमने कुछ सीन कर लिया तो उस पर भी कॉपी होता है अगर कर लोगे तो तुरंत केस होता है इस पर ठीक है तो मूवी अगर कोई जैसे मॉल में हम सिनेमा में चला रहे हैं तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें उनसे परमिशन लेनी होती है उन्हें पेमेंट देनी होती है ठीक है पे करना होता है तब हम चला सकते हैं ठीक है तो अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ कॉपीराइट तीन है इसके फर्स्ट है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कैसे कोई भी चीज़ जैसे हमने खुद बनाई है मतलब एक ओनर ने कोई भी चीज़ पब्लिश की है या फिर कुछ बनाई है तो ऑटोमेटिकली उसको उस चीज़ पे मतलब उसका राइट हो गया उसको कॉपी राइट उसको राइट है उसके उस चीज़ के ऊपर तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है ये अनरजिस्टर्ड राइट है विथ सब्सिस्ट ऑटोमेटिकली एज सुन एज द वर्क दैट इज़ एलिजिबल फॉर द प्रोटेक्शन इज़ क्रिएटेड एंड रिकॉर्डेड ऑन सम मीडियम ठीक है देन सेकेंड इज ओरिजिनेलिटी ओरिजिनल वर्क होना चाहिए ठीक है ये नहीं मैं किसी का सॉन्ग उठाया और बोल रही हूँ कि इस पर मुझे कॉपीराइट चाहिए नहीं खुद का कुछ न्यू बनाना ओरिजिनल वर्क ठीक है द वर्क प्रोटेक्टेड नीड्स नॉट टू बी न्यू हावेवर नीड टू बी न्यू थोड़ी ये गलत होगा हावेवर इट मस्ट बी ओरिजिनल नया नया ही ना हो वो ओरिजिनल भी हो इन देंस दैट इट इज नॉट कॉपीड फ्रॉम सम अदर सोर्स बट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ अफर्ट बाई द क्रिएटर ऑफ द वर्क अफर्ट्स होने चाहिए और वो ओरिजिनल होना चाहिए देन थर्ड इज एक्सक्लूजन कॉपी जो है आ, उ, उनको प्रोटेक्ट करता है जिससे हमें किसी भी मतलब चीज में आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया हो ठीक है बट नॉट द आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग अ पीस ऑफ वर्क जैसे कि अगर हमने कोई प्रोसेस निकाला है कोई रीज़न निकाला है जैसे मैथड्स ऑफ ऑपरेशन या फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट निकालने तो उन पे हमें कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलता जैसे आ, कुछ भी मतलब मैथ्स में जैसे कोई फॉर्मूला निकला है नया कुछ भी निकला है तो उस पर क्या कॉपीराइट लेंगे उसे तो सब यूज़ करेंगे उसे तो पब्लिश करते हैं तो मतलब ऐसा कुछ निकालना जिससे कि जिससे कि हमारे आइडियाज़ एक्सप्रेस हुए तो उन पे हमें कॉपीराइट मिलता है तो ये क्या था एक्सक्लूजन ये थे हमारे नेचर ऑफ कॉपीराइट नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट और मेन फीचर्स ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। थैंक यू फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे वीडियो प्लीज़ लाइक करना चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको किसी और टॉपिक पे कॉमर्स में मतलब कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए मैं आपको अवेलेबल कर दूँगी ओके फ्रेंड्स थैंक यू